मलिहा। जी मम्मी। मलिहा बेटा, यहाँ अंधेरे में ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? नहीं कुछ भी नहीं, बस वैसे। बेटा, जब से आई हो बुझी बुझी सी हो, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी। बात तो है, तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है। समझ नहीं आ रही ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? ये बात मेरे और शहबाज के अलावा किसी को मालूम नहीं है मम्मी, और किसी को मालूम होनी भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा नहीं होता मम्मी तो टाल देती, जिक्र ही नहीं करती। बैठी हूँ। बोलो, क्या बात है? वो असल में फारिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। क्या वो कहती है कि शहबाज की उससे एक बेटी है। क्या बेटी? उस मकार लड़की ने कहा और तुम लोगों ने यकीन कर लिया? उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, तस्वीर भी, और आज तो शहबाज उससे जाके मिल भी आए हैं। तुमने शहबाज को रोका क्यों नहीं उससे मिलने से? वो लड़की फिर से उसे अपने काबू में करना चाहती है। मम्मी अगर वो शहबाज की औलाद है तो उनका हक है उस पर, मैं कैसे रोक सकती थी उन्हें। और मुझे हर हाल में उनका साथ देना। बेटा, वो बहुत चालाक लड़की है, कुछ भी कर सकती है। अगर उसने फिर से शहबाज को बहला फुसलाकर अपने काबू में कर लिया तो? तो मेरी किस्मत। कैसी बातें करती हो मलिया? तो इंसान को अपनी जिंदगी और खुशियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, यूं मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए बेटा। मैंने शहबाज से वादा किया कि मैं हर हाल में उनका साथ दूंगी, और मुझे यकीन है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर। नहीं बच्ची की कीमत पर भी नहीं? नहीं बच्ची की कीमत पर भी नहीं। वो मुझे कह चुके हैं कि बच्ची उन्हें बहुत अजीज है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। वो बच्ची को तो छोड़ सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। बस बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे। को देखकर लगा कि मेरी कोई दुआ कबूल हो गई। आप मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगते हैं। So lucky to have you in my life. बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू सो मच। लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट जो है वो बाजी को जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात ट्यूशन पढ़ाए, मेरी तालीम की फीसेस जमा करवाई हैं, और हमेशा अपनी चाहतों का गला घोटा है इन्होंने।
हारिस मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। मेरा तो बचपन से ख्वाब था कि तुम कामयाब आदमी बनो, आज तुम बन गए। राफिया जैसी लड़की की तो मिसाल नहीं मिलती, बहुत अच्छी बच्ची है, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और फिर तो तुम इसके भाई हो। आंटी आप मुझे शर्मिंदा कीजिए, भला मैंने क्या किया आप लोगों के लिए? ए बेटा, तुमने हमारी इस घर की बेटी बनके जो काम किया है, मैं समझता हूँ हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वरना आजकल तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने जो बाजी को मोहब्बत दी है, इसकी कोई कीमत नहीं। बाजी ने हमेशा दूसरों पर मोहब्बत बांटी है, ये पहली दफा हुआ है कि उन्हें इतनी मोहब्बत और इज्जत मिली है, जिसकी वजह से वो आप लोगों के साथ इतने मजबूत रिश्ते हैं बनते। कैसी बातें कर रहे हो? अब आप दोनों हमारी फैमिली का पार्ट हो, हमसे अलग नहीं। शबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कब से ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस? कल से। मैंने मिठाई मंगवाई है, आ रही है। खेल में आजीत होती रहती है। कैसे काम डाउन? अपना सब कुछ हार गई हूँ मैं। हा? क्या? सब कुछ कैसे हार गई हो तुम? सिल्फारिया कूल डाउन, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। इसने किया है मेरा बीपी हाई। तो अगर मैंने हाई किया है तो लो भी मैं ही करूंगा। मैं हूं ना, जस्ट रिलैक्स। ओके अच्छा, एनीवे ये बताओ क्या इरादा है गेम स्टार्ट होने वाली है? मुझे नहीं खेलना। बेबी गेम तो खेलना पड़ेगा ना, इट्स अगेंस्ट द रूल्स। You know, you can actually do that. Nafaria. बहुत दर्द हो रही है मेरे पैर में। किसने कहा था इतने बदहवास होकर चलने की? चोट तो लगेगी ना? मेरी डिस्टिंक्शन आई है, मैं भाई को बताने जा रही थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे गिफ्ट दिलाएंगे। तुम तो वैसे भी जो फरमाइश करती हो दोनों भाई हाजिर कर देते हैं, तो फिर ऐसी भी क्या जल्दी थी बेटा? नया लैपटॉप चाहिए मुझे। बस इतनी सी बात? अरे भाई तो कल चलेंगे ना लैपटॉप लेने के लिए, लेकिन अभी प्लीज मेडिसिन खाओ अरबाज, मेडिसिन खिलाओ भाई। मुझे नहीं खानी। और कैसे जाएंगे बताएं मुझे, इतना दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे मामूली सी मोच है बेटा, डॉक्टर ने भी यही कहा था, वो तो अम्मा के कहने पे हमने एक्सरे करवा लिया, कल तक तुम चल रही होगी। और सुनो, तुम्हें साथ जाने की जरूरत क्या है, मैं जाकर लैपटॉप ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि खाना लगवा देती हूँ। नहीं अम्मी, आप एक काम कीजिए ना, भाई जरीना से कहकर खाना हमारी मक्खी के कमरे में ही लगवा दें, है ना? क्यों बाबा? क्या सोच रहे हैं आयाज? कुछ नहीं, अली जी के बारे में सोच रहा था।
सोचता हूँ उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसकी शादी कर दूँ। अभी हमारी अलीजे बहुत छोटी है और उसकी पढ़ाई भी नामुकम्मल है और जो हादसा उसके साथ पेश आया है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है आयाज। इन हालात में शादी का ख्याल क्यों आया आपको? हर बेटी के बाप की तरह मैं भी अपनी बेटी को अपने घर में हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी अलीजे को एक गमगुसार शौहर मिल गया तो वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। वो बात तो आपकी ठीक है लेकिन जो कुछ अलीजे के साथ हुआ है उसके बाद उससे कौन शादी करेगा यार? ये दुनिया भी दर्दमंदों से खाली नहीं हुई आपदा। तुम देखना अल्लाह ताला कोई ना कोई अलीजे का जोड़ सामने ले आया, क्योंकि जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, उसमें हमारी बच्ची का कसूर तो नहीं था। मुझे लगता है कि जब उसकी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी तो पुराने गम खुद ब खुद उसका पीछा छोड़ के भाग जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ मैरिज ब्यूरो का काम करती है, सोचता हूँ उनसे बात करूं। लेकिन नयाज अब तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पहले चाय पिला दो। अगले हफ्ते अपार्टमेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम लोग वहीं शिफ्ट होंगे। शुक्र है अल्लाह का हारिस, तुमने मेरे सारे ख्वाब पूरे किए। अभी तो बहुत सारे ख्वाब पूरे करने हैं, अभी तो एक बड़ा सा घर खरीदना है, फिर आपकी शादी वहां से धूमधाम से करनी है। अच्छा, नया घर लेके बहन को रुखसत कर देना। हाँ, निकालोगे मुझे अपने घर से? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो घर आप ही को तो होगा। हारिस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यह चाहिए कि तुम हमेशा कामयाब रहो। बाजी, इस जो कुछ भी मेरे पास है आपकी दुआओं का तो नतीजा है। मेरा भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मुझे जाना भी है। नहीं रुको, मैं चाहती हूँ तुम्हारे ऑफिस के देवन मैं तुम्हें घर से रुखसत करूँ, मैं साथ चलूंगी। कौन कहाँ रुखसत हो रहा है भाई? कल ऑफिस का मेरा पहला दिन है तो बाजी चाहती है कि मुझे घर से ही रुखसत करें। लेकिन रुखसत करने की क्या जरूरत है, मैं काम करता हूँ ना बाजी, मैं घर से तैयार होकर सीधा आप लोग के पास आ जाता हूँ, आप लोगों से मिलके फिर ऑफिस चला जाऊंगा। करेक्ट। मगर कुछ नहीं बाजी, मैं नहीं चाहता कि आप वहां पर आए, गुलशन आंटी भी नहीं है वहां पर। क्यों अरबाज भाई? रफी हारिस बिल्कुल ठीक है, देखा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल जब मैं आऊंगा तो आप लोगों के साथ बैठ के नाश्ता भी करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चल, सी यू टुमारो। अल्लाह। लगता है आपको यहाँ रहना पसंद नहीं है। बात अच्छा लगने की नहीं है, इंसान बस अपने घर में कंफर्टेबल रहता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने, आप अलीजा की वजह से मजबूर हैं। ये कैसी बात करती आपने, अलीजा के लिए कोई भी काम मैं मजबूरी में नहीं करती, दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ, वो बहन है मेरी। खुशकिस्मत है। जो दिल में भरा वो बह निकला, आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम,
आप कहीं नहीं थे, यहीं पे थी। मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है फिर? क्यों इतना दर्द होता है हर वक्त? मेरी बात सुन, कुछ नहीं हुआ तुम्हें अलीजे, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मेरा सर इतना भारी रहता है। कुछ नहीं, मैंने कहा तुम्हारे सर पे बस चोट लगी है। डॉक्टर्स ने कहा है हम तुम्हारी केयर करें, तुम ठीक हो जाओगे। आपको ट्रस्ट है ना मुझ पर? हाँ, करते हो ट्रस्ट? अब आप मेडिसिन लोगे। कुछ नहीं था, कुछ नहीं। जी बाबा, आपने बुलाया हमें। हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी। जी कहिए बाबा। बेटा, हम ये सोच रहे हैं कि हम अलीजे की शादी करें। क्या अलीजे की शादी? हम अभी जल्दी? बेटा, ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। बेटा, हमारे लिए तो वो हमेशा ही बच्ची रहेगी, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ, लेकिन अलीजा तो भी
छोटी है, यू नो, आप लोग बहुत जल्दी, इतनी जल्दी क्या जरूरत है शादी करने की? बर्बाद एक मिनट बाबा, आप हमें बताइए तो सही, अचानक से आपके जहन में ये बात क्यों आई? तुम लोग बैठो। देखो बेटा, अलीजे जिस बड़े हादसे से गुजरी है, इसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खबर अभी ज़्यादा फैली नहीं है। मैं तो समझता हूँ शायद अड़ोस पड़ोस वालों को भी नहीं पता, क्योंकि आजकल लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं कि किसी की खबर गिरी का वक्त ही नहीं मिलता। मुझे लगता है अगर अलीज़े नॉर्मल लोगों की तरह दुल्हन बन जाएगी तो उसकी सेहत पर इसके बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा उसको कोई अच्छा गमगुसार लाइफ पार्टनर मिल गया तो ये उसके लिए किसी भी दवा से ज़्यादा सूदमंद साबित हो। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। हमारी अलीज़े बिल्कुल मासूम फरिश्तों की तरह पाक है, अल्लाह ने उसके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, उसका नसीब किसी अच्छे लड़के से ही जोड़ा होगा। वैसे भी इस दुनिया में अच्छे और बेगरज लोगों की कमी नहीं है। मगर अम्मी ये कैसे हो सकता है, अभी तो अलीज़े अपने होश में नहीं है, हम शादी का तो सोच भी नहीं सकते। बेटा अभी तो बस एक जहन में ख्याल आया है, आगे अल्लाह को जो मंजूर। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ 9 बजे, पूरे 3 घंटे बाकी 12 बजने में। ट्राई करते रहे, वो उठा लेगी फोन। और आप एक काम कीजिएगा, मुझे भी उसको नंबर दे दीजिएगा प्लीज। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं उसको विश कर दूंगा और क्या। अच्छा तो इतनी बेतकल्लुफी है उसके साथ तुम्हारी? अब नहीं, वो आपके लिए कॉल करता था तो बात हो जाती थी। वैसे अलीज़े मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है उसके साथ। मैं जब वापस आ रही थी तो बहुत अपसेट हो गई थी वो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं उसे अपनी भाभी बना लूं। राफिया तुम क्या कहती हो? जी आंटी, जो आप फैसला करेंगे अलीज़े की बेहतरी के लिए करेंगे। वैसे फैसले इंसान को हालात और वक्त के पेश नज़र करने पड़ते हैं। बस दुआ करो कि अलीज़े को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए और मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आमीन। इंशाल्लाह आमीन, इंशाल्लाह। बेटा हारिस नहीं आया अभी तक? वो बस आने वाला थोड़ी देर में। हम ऐसा नहीं सोच सकते, जो कुछ भी फारियाबी ने वहां पे किया हम बहुत शर्मिंदा हैं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। जी
कहाँ से मंगवाया है? घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ से। बहुत अच्छा खाना है। Did you like it? बहुत अच्छा है। बस अब तुम्हारे हाथ की अच्छी सी चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अभी डालती हूँ। खाना तो कंप्लीट कर लो। खा लिया मैंने। हेलो, हाय स्वीटहार्ट। हाँ, आज हो जाएगी। बिना वजह गुस्सा कर रही, तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं है, यू नो दैट राइट? ये भी तुम्हें कहा था ना कि एक शिपमेंट और कंसाइनमेंट ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आ जाऊंगा मैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी आऊंगा। जल्दी से ले आ। बस एक मीटिंग में कॉल करता हूँ, डार्लिंग बाय। डार्लिंग करके किससे बात करे? है तुम्हारे अलावा कोई और? जान से मार दूंगी तुम्हें भी और उसको। अच्छा अच्छा, काम डाउन। मामा से बात कर रहा था, वो गुस्सा कर रही थी इसलिए उनको मनाने के लिए मजाक से डार्लिंग कह दिया। ओके, बहुत जल्दी गुस्सा करती हो तुम। गुस्से वाली बात नहीं थी ना। चाय कहाँ है? चाय जल्दी ले आए। फोन, ये मोबाइल तुम्हारा है। मेरे लिए? हाँ हाँ बेटा, रात ही तो शहबाज लाया है। ये लो। तुम्हारा पुराना टूट गया था ना? हाँ, मेरा मोबाइल शायद एक्सीडेंट में है। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? राफिया बाजी ने। क्या हुआ था? उन्होंने कहा था मेरा एक्सीडेंट हुआ इसीलिए मेरे सर में इतना दर्द भी होता है। चलो ठीक ही बताया उसने। मैंने अपनी प्यारी सी अलीजे के लिए खीर बनाई है, खाओगी ना? थैंक यू, लेकिन बस मैं बहुत थोड़ी सी खाऊंगी। तुमने मोबाइल की सेटिंग्स कर ली? नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे ऑन होता। मैं कर देती हूँ, लाओ दो मुझे। शहबाज ने सिम तो डलवा दी थी, मैं सेटिंग्स कर देती हूँ। थैंक यू। जी पता है, सारे स्टाफ से मिलवाया उन लोगों ने मुझे, और मुझे मेरा रूम भी दिखाया। क्यों ना दिखाते अपने डिपार्टमेंट के हेड जो हो तुम, माशाल्लाह। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैं हेड बन गया हूँ। माशाल्लाह, ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारी डिग्री की वजह से नहीं मिला, बल्कि उस 2 साल के एक्सपीरियंस की वजह से भी मिला जो तुमने जर्मनी में गुजारे थे। बिल्कुल, और साथ ही साथ में आपकी दुआओं और मेहनत का नतीजा भी है। बाजी, अगर अम्मी जिंदा होती तो कितना खुश होती ना, उनको ये सब कुछ देख के कितना अच्छा लगता, और मैं उन्हें बता पाता कि मेरी पढ़ाई मुझे इस मुकाम तक लेके आ गई है। इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं मेरे भाई, अम्मी ने तो हमेशा आप ही के थ्रू देखा और सुना है। वैसे
बाजी एक बात कहूं? हाँ? क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप आंटी से मेरे बारे में मेरी राय मालूम करें कि उन्हें मैं कैसा लगता हूँ और मेरे बारे में क्या सोचती हूँ? इसका कोई फायदा नहीं हारिस। क्यों? बाजी वैसे मुझे पता है कि वो अलीजे की इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगी, लेकिन रिश्ता तो तय हो सकता है ना। वो हमें आप ही से अलग समझते हैं, वो उनके साथ हमें नहीं मिलाएंगे, कम से कम हमें उनके हवाले से जानते हैं। ठीक बात कर रहे हो हारिस, लेकिन हमारी क्लास में और उनकी क्लास में बहुत फर्क है, हमारा कोई जोड़ नहीं। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसका कोई फायदा नहीं हारिस, वो लीजे की शादी करने का सोच चुके हैं। क्या? हाँ, अयाज अंकल अलीजे को जल्द से जल्द अपने घर का करना चाहते हैं। तुम बस अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारी नसीब में हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे ये सवाल कर सकूं। वो जरूर ये समझेंगे कि मैं अपने मतलब का रिश्ता पूरा कर रही हूँ उनसे। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जी। बार बार मुझे फोन कर रही है कि अपना फैसला सुनाओ। तो आप फैसला सुना तो चुके हैं। लेकिन वो भी तो अपनी शरायत बताए ना मुझे, उसके लिए कह रही है कि मिलो उससे। तो मिल ले। आप कैसी बातें कर रही हो? अच्छी तरह जानती हो आप पिछली बार उससे मिला था तो कितना बड़ा तमाशा बना था। तो इस दफा किसी पब्लिक प्लेस पे मिलिएगा और जगह भी खुद डिसाइड करिएगा। ठीक कह रही हो, लेकिन अभी आप जानती हो मैं कितना उलझा हूँ। घर के मसाइल, ऑफिस, हॉस्पिटल, वक्त ही कब मिल रहा है। तो आप उसे बोल दें कि थोड़ा इंतजार कर ले। नहीं कर रही ना, कह रही है फौरन में सीट बुक करा कर दूं, कहीं बाहर सेटल होना चाह रही है। उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बाहर शिफ्ट हो जाए? बहुत शातिर है फारिया, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाती है, उन्हें इस्तेमाल करती है, दुनिया में कहीं भी सेटल हो सकती है। कैसी औरत है ये, घर बसाना और शौहर के साथ निभाना उसे मुश्किल लगता है, रंग बिरंगे लोगों के साथ दोस्ती करना अपनी शान समझती है। औरत के मकाम से गिर गई है फारिया। तो आप टाइम निकाल के उससे मिल लें, कहीं वो बच्ची को लेके गायब ना हो जाए। भाई वाजिद ने तो फौरन ही दो रिश्ते पेश कर दिए, दोनों ही अच्छे थे। माशाल्लाह, अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब रोशन करे। आमीन। कुछ बताया उन्होंने कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है? हाँ, एक तो उसके खानदान का ही है, डॉक्टर है माशाल्लाह, अभी बाहर से स्पेशलाइज करके आया है, खानदान भी अच्छा है, माँ बाप दोनों सर्जन हैं, बड़ी बहन डॉक्टर है। माशाल्लाह। इनको तो मैंने कल ही बुला लिया। कल? अम्मा असल में वाजिद कह रहा था कि शादी की जल्दी है, इन्हें लड़की ढूंढते फिर रहे हैं, और उसने ये भी कहा कि लीजिए की जोड़ का रिश्ता है तो जितनी जल्दी मिल लो उतना अच्छा है, तो मैंने कहा ठीक है। चलो ठीक किया बेटा, नेक काम में देर नहीं करना चाहिए। मगर क्या अलीजे तैयार हो जाएगी इस बात पर? वो कैसा रिएक्ट करे, आप कुछ पहले मुझे बता देते तो मैं उसे समझाती। समझाना तो पड़ेगा आपदा, अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। तो राफिया से कहो ना, वो समझाएगी, उसकी बात अलीजे सुनती भी।
अपना दुआ कीजिएगा कि इस बार कोई रुकावट ना आए किसी से। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह मियां बेहतर करे। ओ ज़ालिम नहीं जी सकते।